जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइव सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो फिलहाल एक विशेष निवेदन होगा और मुझे लगता है कि इस निवेदन को करने में हम लोग थोड़ा सा लेट कर गए हैं, लेकिन क्या करें, देर आए दुरुस्त आए। निवेदन उन साथियों से होगा जो हमारे JBKSS संगठन के प्रति और मेरी प्रति समर्पण भाव रखते हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि यदि आप लोग हमारे संगठन का लोगो या फिर मेरा लोग फोटो अगर DP में लगाए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप आलोचना ही अलग विषय है, प्रतिक्रिया देना अलग विषय है, वाद विवाद भी अलग विषय है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का चयन ठीक से कीजिएगा। विनम्र प्रार्थना भी तमाम नौजवानों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संगठन में जितने भी नौजवान हैं उनकी जो आयु है वो 18 से 30 के बीच मैक्सिमम है, तो उनसे हमारा विशेष हाथ जोड़ कर प्रार्थना होगा कि थोड़ा सा हम लोग की गरिमा का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल आलोचनाएं होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, हर चीज होना चाहिए, बात विवाद होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, सवाल का उत्तर होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, टिप्पणी भी होना चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रयास कीजिएगा, जो लोग हमारे संगठन का और खासकर मेरा DP बहुत सारे युवा लगाए हैं, मैं आपसे बहुत बहुत प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया करके शब्द चयन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और खासकर पुनः एक बार डुमरी उपचुनाव को लेकर, देखिए सबसे पहली बात मानते हैं चुनाव में भावनाओं की स्थान भावनाओं का नहीं होता है, लेकिन चूंकि हम लोग अभी चुनाव की ओर जा रहे हैं, मैंने साफ शब्दों में कहा जाए होता ना अंकुरित होना, यानी हम लोग अंकुरित हो रहे हैं अभी, ना हम लोग छोटा सा पौधा बने हैं, ना वृक्ष बने हैं, ना हम लोग का आकार बढ़ा है, हम लोग अभी अंकुरित हो रहे हैं। यही मिट्टी से हम लोग हल्का सा बारिश मिली है और हम लोग यही मैंने हल्का सा अंकुरित हो रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग का समय है। और जब भी हम लोग चुनाव की राजनीति में आएंगे, जब हम लोग वोट की राजनीति में आएंगे, तो ऐसे समय आएंगे जब चुनाव मजेदार हो, जब उसका चर्चा हो और मैंने थोड़ा सा संकट हो, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। और फिलहाल ये जो चुनाव है डुमरी माननीय जगन्नाथ महतो का देहांत के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग अपनी शुरुआत किसी की मृत्यु के बाद जो सीट खाली हुआ उससे करें, पहले हम लोग कहना चाहेंगे। बाकी देखिए, और मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक होता है समर्थन और एक होता है सम्मान। सम्मान और समर्थन में अंतर होता है मेरे साथियों। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि सम्मान और समर्थन ये दोनों अलग विषय है। सम्मान का तात्पर्य है जैसे हम लोग डुमरी का जो चुनाव है वहां खड़ा नहीं हुए, ये सम्मान हुआ। दिवंगत की आत्मा की शांति मिले, ये सम्मान हुआ। लेकिन समर्थन अलग विषय है, हम लोग किसी भी दल के समर्थन में नहीं है। इसलिए समर्थन में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है और व्यवस्था परिवर्तन 24 में ही करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि हम लोग कर ही देंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कभी। व्यवस्था परिवर्तन करने का प्रयास हम लोग 24 में ही करेंगे। हम लोग राजनीतिक करियर की शुरुआत 2024 से करेंगे, जो हमारा नारा रहा, स्लोगन रहा, 24 24 24। ये उपचुनाव है, मैं सभी से निवेदन करूंगा शांति प्रिय वातावरण में, सौहार्द वातावरण में, भाईचारे के साथ चुनाव हो, एक दूसरे का आलोचना करें। आलोचना करने का आपको अधिकार है, यदि आप दूसरे प्रत्याशी की आलोचना नहीं करेंगे तो फिर लोग आपको वोट क्यों करें? आपको उनके डिमेरिट्स को बताना होगा, अपनी मेरिट्स को बताना होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से अमर्यादित और अनैतिक, अव्यवहारिक, अमानवीय शब्दों का, व्यवहारों का चलन और चयन किया जाए। तो फिलहाल सम्मान अलग विषय है, समर्थन के विषय में हम लोग किसी के समर्थन में नहीं है। लोग कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम लोग का काम है उसको सुनना और सीखना, उससे हम लोग सुनेंगे और उनके सुनने के बाद हम लोग सीखने का काम करेंगे। तो इसीलिए और फिलहाल मैं जो भी और एक हमारे कोई साथी हैं चैनल वाले, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा, भाई वाह हम नहीं है उस वीडियो में, कहे आप हमारा नाम को लेते हैं, भाई मेरे छोटे भाई हैं, कृपया करके ऐसा ना करें। बाकी सबकी अपनी राय है, सबकी अपना निजी विचार है, मेरा विचार है, मेरा सिद्धांत अलग है। मैंने अपने आप को जो पाया है, मैं बचपन से ही अपना एक अलग स्वभाव का छात्र रहा हूँ,
आप चाहे तो, मैं बार बार कहता हूं, अगर किसी नेता का पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप खोजने जाइएगा तो कोयला चोर मिलेगा, लकड़ी चोर मिलेगा, दबंग मिलेगा, भू माफिया मिलेगा, हम लोग नहीं मिलेंगे। हम लोग फुटबॉल प्लेयर मिलेंगे और एक छात्र मिलेंगे, एक पढ़ाने वाला छात्र मिलेंगे। पढ़ते भी थे और हाई स्कूल में जाके पढ़ाते भी थे, ये हमारा जीवन है। तो भाई हमारा सिद्धांत अलग है, हमारा नीति अलग है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी शुरुआत वहां से हो जहाँ किसी की मृत्यु होगी। तो बाकी वो एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में त्रिकोणीय हो या चतुर्कोणीय हो, वो डुमरी की जनता तय करेगी। और डुमरी की जनता अपने भविष्य का रचना करना जानती है, वो रचनाकार है। डुमरी की जनता बेहतर जानती है, उनका विवेक बेहतर है, उनको पता है कि उन्हें फिलहाल जो कार्यकाल बचा है उनमें वो किसके साथ जाएंगे, वो उनको तय करना है। बाकी 24 में वो किसके साथ जाएंगे वो भी वही तय करेंगे। हम 24 में उनके पास जाएंगे कि आप हमारा समर्थन करें, हम ये उनको फोर्स नहीं कर सकते। 24 में भी वो तय करेंगे, 23 में भी वो तय करेंगे, और आने वाले दिनों में भी डुमरी की जनता ही डुमरी की विधानसभा के लिए तय करेगी, वहां के जो जनप्रतिनिधि होंगे इस बात को तय करेंगे। तो फिलहाल डुमरी का उपचुनाव दिलचस्प होगा, बेहतरीन होगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है झारखंड के इतिहास में ये पहली बार होगी कि जो दो माताएं, तो विधवा माताएं एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के रूप में मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं अब हालांकि उसमें तीसरा कौन भी बन रहा है, कोई मौलवी साहब है, लेकिन कुल मिलाकर जो दो माताओं की भिड़ंत है, मैं उसे वैचारिक भिड़ंत कहूंगा। वैचार यानी विचारों का भिड़ंत है, मनुष्य का भिड़ंत नहीं है, वो विचारों का भिड़ंत है। क्योंकि जो दल होते हैं उनके विचार अलग होते हैं, बाकी जो वही दल वो एक वकील की तरह एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक विचारों का भिड़ंत है, विचारों का द्वंद है। इसे आप विचारों तक ही रहने दें, उसे अपने व्यवहारिक जीवन में लाने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो दोनों माताओं के साथ साथ उस मौलवी साहब और जो भी दो तीन प्रत्याशी हैं, मैं नाम नहीं जानता हूं, उनको हमारी ओर से डुमरी उपचुनाव के लिए शुभकामनाएं। और विशेषकर उन दो माताओं को जिन्होंने अपने पति को खोया है, अपनी पति के बिना एक मजबूती के साथ अपने आप को लोहा बनाते हुए आज राजनीति में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ी, उन दो माताओं को मेरा विशेष माने उनका चरण स्पर्श, दोनों माताओं को, उनके बीच जो द्वंद्व हो वो वैचारिक हो, मैं ये कामना करता हूँ। और डुमरी विधानसभा को जनप्रतिनिधि के रूप में एक बेहतर नेतृत्वकर्ता मिले, मैं ऐसी मनसा रखता हूँ, उत्कंठा रखता हूँ, आकांक्षा रखता हूँ। और पुनः दोहराऊंगा, हमारे फोटो को डीपी में लगाने वाले मैं साथियों से अपील करूंगा, शब्दों का चयन करेंगे, अपने व्यवहार का, अपने विचारों में जो शब्दों का गरिमा हो उसका ख्याल रखेंगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कार्य को करने जा रहे हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ ही और एक सूचना, बहुत सारे फेक आईडी है हमारे नाम से, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। वो हो सके कुछ एडवर्टाइज वगैरह करते होंगे, उनसे भी सावधान रहिएगा। बाकी जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे साथ बैठे परिचय करा दें, खाने खान जेबी केसेस के महासचिव फरजान खान साहब हैं, और इधर यदुवंशी यादव जी बैठे हैं, राहुल यादव हमारे बहुत ही सिपे सलाहार हैं हमारे, राहुल यादव जी ये कोडरमा से हैं। और फिलहाल आज ये आए हैं मेहमान बनकर, लेकिन ये मेहमान नवाज ये स्वयं कर रहे हैं। जोहार झारखंड, जय झारखंड।